अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, संगजानी टोल प्लाजा D17 का गेट D17 जिसको D4 17, तो ये इस्लामाबाद का सीधे का सेक्टर 17 उसका रोड है MDR 120 फुट का रोड, उस पर हम खड़े हैं। तो GT रोड से निकल के सीधा आगे लगता है, यानी D17 के अंदर आता है डबल रोड और सीधा आगे मुंह को लगता है DCH के D18 के मुंह को आगे लगता है, और उसका आगे वाला जो हिस्सा है, अब जहाँ हम खड़े हैं अगर मेरे राइट हैंड में देखें तो ये सारा आपको D17 की बेहतरीन रेजिडेंशियल एरिया है। D17 का ये बहुत बड़ी मत है, यहाँ से आपको अगर गौर करें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है पाइन हाइट्स नज़र आ रहे हैं और पाइन विलाज नज़र आ रहे हैं और D17 की सारी आबादी, और टैंकी भी D17 की आती है। अच्छा नाज़रीन, इसके बीच में ये जो रोड है ये 60 फुट का रोड है और ये नवाज़ अली खान रोड कहलाता है, और ये एरिया बनता है D18 का, यानी अब D18 का जो रोड है नवाज़ अली खान रोड, ये सीधा रूट स्कूल को लगता है, पहाड़ियों को जाकर लगता है, और ये जो D18 है ये इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी D18 कहलाती है। तो इसका तारफ कराते जाएँ, ये अब आप वो कैमरे की नज़र में D18 आ रहा है, इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये हम आपको अब आपको D18 इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का व्यू दिखा रहे हैं। ये सारा D18 है, इसकी रिहायशी तमाम रिहायशी प्लाट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये आखिरी रोड है, D18 इसकी स्ट्रीट नंबर 1। तो यहाँ से कोड भी आपको नज़र आ गया, और करें तो पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन ए ब्लॉक का गली नंबर 5 लगती है अंदरूनी दूसरी तरफ से। इधर से दो गलियां बनी हैं, 1 2 3 यहाँ गलियां परली तरफ से आती हैं, 4 5 6 जो कि शिराजी रोड को लगती हैं आके, और ये 18 रोड जो है ये जाकर रूट से को लगता है। और ये सोसाइटी सारी जो है आपको हम बता रहे हैं, सोसाइटी सारी ये ECH की सोसाइटी है नाज़रीन। और इससे पीछे हमने जो मेन रोड से ये आ रहा है मरगला का रोड आ रहा है, और इसका हम आपको एक सीन दिखाते हैं कि ये मरगला का जो रोड है ये आके जहाँ पहुँचा है, इस जगह पे पहुँचा है, तो यहाँ सरहद D17 की ख़त्म हो जाती है और आगे ये कमर्शियल एरिया ECH का शुरू हो जाता है। ये ECH का आपको एरिया नज़र आ रहा है, कमर्शियल है ECH का, नॉर्थ एवेन्यू बोलते हैं इसको, ECH का नॉर्थ एवेन्यू। और इसको नाज़रीन अगर हम यूँ करके देखें तो हमें सामने बिल्कुल पहाड़ी पर फैक्टो सीमेंट नज़र आ रही है, फैक्टो सीमेंट इस्लामाबाद। हमें ये देखें पहाड़ी है, मरगला की पहाड़ियों में ये इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एग्जैक्ट मैं फैक्टो सीमेंट के सामने खड़ा हूँ। और यूं घुमाते जाएं तो यहाँ एक सोसाइटी है B17, बी फॉर ब्रावो, यानी कि MPCH भी बोलते हैं इसको, मल्टी गार्डन भी बोलते हैं। ये मरगला की पहाड़ियाँ, ये सारा मरगला का सीन आपको नजर आ रहा है, ये सब मरगला की पहाड़ी है, पर ये तरफ इस्लामाबाद है। इस रोड से हम आए हैं जिसको कहते हैं संगजानी टूल प्लाजा से अंदर घुसता है, और D17 का ये रोड आते आते सीधा आके यहाँ लगता है नाज़रीन, और ये है ये कमर्शियल एरिया है D18 का। इस कमर्शियल एरिया को सीधा आगे जाके AWT को जाके लगता है, जिसको बोलते हैं आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, वो D18 का एक दूसरा सेक्टर है। जिसमें हम खड़े हैं ये D18 का ECH इंजीनियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो है AWT। तो ये है, अब इसका हम आपको तारफ कराते जाएं कि ये जो AWT है और यहाँ का आपस में क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं मकान लेने के प्लाट लेने के। यहाँ पर ये है नाज़रीन कि इस वक्त सूरज का बेहतरीन नज़ारा भी आप देख रहे हैं, और हम आपको तारफ इन सड़कों का करा रहे हैं कि ये जाके सीधी सड़कें लगती हैं AWT को। जब AWT को लगती हैं तो AWT के सामने से आप गौर करें तो आपको टूल प्लाजा इंटरचेंज नज़र आ रहा है, मोटरवे का इंटरचेंज, अगर गौर करें दूर से तो मोटरवे का इंटरचेंज नज़र आ रहा है। मोटरवे यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो मोटरवे से अगर यूँ ऐसे कैमरा घुमाते जाएं ऐसे साथ साथ पहाड़ी के साथ साथ, तो आगे चाइना कॉरिडोर लगता है, चाइना कॉरिडोर। और नाज़रीन चाइना कॉरिडोर है, और ये ECH की सोसाइटी में आपको बता रहा हूँ, रेजिडेंशियल मार्शल बहुत खूबसूरत और बेहतरीन प्लाट स्ट्रीट नंबर 1 पर खड़े हैं ECH के। और ये देखें गाड़ियाँ सारी जो आ रही हैं, ये देखें कारें आ रही हैं सारी, ये आ रही हैं मोटरवे से, मोटरवे से देखें ये सारी कारें आ रही हैं, ये इधर से गुजर के सीधी जाकर GT रोड पर चढ़ जाएंगी। ये नाज़रीन देखो ये जितनी कारें हैं ये आ रही हैं मोटरवे से,
और सीधी जाके जीटी रोड पे चढ़ जाएंगी ये गाड़ियाँ। अच्छा नाजरीन, ये है कि जिधर से ये आ रही हैं वहाँ पर अगर गौर फरमाएं तो कुछ हिस्सा आपको अब नज़र आ जाएगा गाड़ियों के चलने का। ये सामने कर गए ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये आपको गौर फरमाएं, ये संगजानी को जाकर रोड लगता है और ये मुस्तकबिल का रिंग रोड है और आगे से जाकर सीधा संगजानी एक बन रहा है, बहुत बड़ा गोल चौक बन रहा है जो कि इस्लामाबाद का मरगल्ला एवेन्यू है, जो मरगल्ला का डबल रोड है। यहाँ से चढ़ो तकरीबन 12-13 मिनट में आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। ये ऐसे यूँ जाते जाते आगे जाके ये संगजानी और जो जो पहाड़ी पर नज़र आ रही है फैक्ट्रो सीमेंट और मेरे दरमियान जहाँ पे ये संगजानी है, यहाँ पर एक गोल चौक बन रहा है, अंडर पास बन रहा है जो कि उस इस्लामाबाद रोड को जाके लगेगा जो कि इस्लामाबाद मरगल्ला एवेन्यू है उसको लगेगा। तो ये रिंग रोड का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी लोकेशन बेहतरीन बन रही है यहाँ। अब मैंने आपको D17 का तारफ कराया है मरगल्ला व्यू का और मेरे सामने B17 यानी मल्टी गार्डन की सोसाइटी है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये इंजीनियर कोऑपरेटिव की सोसाइटी है और जो इधर दिखा रहा हूँ वो है इस आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उसके आगे चाइना कॉरिडोर है और मोटरवे भी है। और ये जो एरिया है ये है कमर्शियल, D18 का कमर्शियल बेहतरीन है। मैं जिस प्लाजे पर खड़ा हूँ इस ये प्लाजा भी फॉर सेल परचेज़ है, रेंट के लिए भी रेडी है और इधर माशाल्लाह बहुत बड़ा कमर्शियल तैयार हो रहे हैं। ये हमारे सामने देखो एक बहुत बड़ा कमर्शियल तैयार हो रहा है, देखो ऑफिस बनने शुरू हो गए हैं और सेल परचेज़ इसकी शुरू है, ये प्लाजा जो है ना वर्किंग इसकी शुरू हुई और ये जाके यहाँ पर देखें आप गौर करें तो बेहतरीन विलाज बने हुए हैं। D17 के विलाज हैं, ये एक तरह के विलाज तैयार कर रहे हैं आगे। D17 बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है तो इनके इधर विले बन रहे हैं और इसके बीच में भी सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो ये जो जगह है बहुत बड़ी अहमियत की हमल है। दोबारा हम आपको व्यू कराते हैं कि इधर से मोटरवे को ये सड़क लगती है और ये बीच में कमर्शियल से होते हुए ये सीधी आते आते ये सीधी जाके आगे जाके GT रोड को लगती है और ये वो जगह है जो कि डबल रोड सीधा GT रोड को लगता है और संगजानी टूल प्लाजे को जाके ये सड़कें लगती हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ये तारफ कराएं, ये जगह है जी सीधी जाके GT रोड को लग रही है और उधर से इन हो तो मोटरवे चढ़ दें, मोटरवे से उतरे तो इधर से आके GT रोड पर चढ़ दें। इसके बीच में नाजरीन ये एक सड़क है जिस पर आपको एक गाड़ी भी नज़र आती और जा रही है और उसके पीछे पीछे एक और गाड़ी भी आ रही है, तो ये एक सुजुकी भी नज़र आ रही है आपको। ये है नवाज़िश अली खान रोड, इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नवाज़िश अली खान रोड। तो ये बहुत अहमियत की अमल है ये जगह, रेजिडेंशियल प्लाट के हवाले से भी, कमर्शियल प्लाट के हवाले से भी। और ये सोसाइटी है D18 की और D17 का अगर आप जलवा करें तो D17 फुल हो चुकी है तकरीबन, बहुत बेहतरीन सोसाइटी है D17। और उसकी जो ये बहुत बड़े एरिया नज़र आ रहा है, ये पाइन हाइट्स नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे पाइन विलाज हैं, बहुत बेहतरीन एरिया है सर। तो जिस प्लाजे पे खड़े हैं इसका भी थोड़ा तारफ करा दें, ये प्लाजे का छत है, यहाँ रूफ टॉप है इसका और ये प्लाजा भी रेडी है फॉर सेल परचेज़। और ये हिस्सा है D18 का नाजरीन। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद तफसीलात के साथ आएंगे आपके साथ और इंशाल्लाह आज का, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन के ऊपर बेल पुश करना भी ना भूलिए और आप कमेंट्स में ज़रूर कुछ बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा ताकि हम मज़ीद तारफ़ आपको कराएँ। नाजरीन ये बहुत बड़ी बेहतरीन जगह है और व्लॉग ख़त्म करने से पहले आपको सूरज दिखाते जाएँ, ये सूरज का क्या अल्लाह ताला ने बेहतरीन नज़ारा दिया है सूरज का, ये देखें बेहतरीन सूरज का नज़ारा है, ये सूरज है और शाम का व्यू है और यहाँ पे हम खड़े हैं कमर्शियल एरिया D18 का और आपको सारा तारफ़ करवा दिया। अल्लाह हाफिज़ नाजरीन, और हमें से राबता करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 0313, ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हम बात कर रहे हैं आपसे, 0313-623-1059 ये हमारा फ़ोन नंबर है और D17 के अंदर हमारा ऑफिस है और इस एरिया में इस्लामाबाद के CDA सेक्टर में से किसी किस्म की खरीद और फरोख्त के लिए आप हमसे रابطہ ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन फ्री है, खरीद और फरोख्त करने के लिए इंफॉर्मेशन हमसे लें, खरीदें जहां से मर्जी है, जहां दिल चाहे वहां खरीदें, अगर अच्छा लगे हमसे खरीदें वरना आपको इजाज़त है, इंफॉर्मेशन हमसे फ्री आप मुयसर है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।